स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया में। मैं हूं रुतिका पांडे। अगली खबर जयपुर से है, जहां की पब्लिक में जो माहौल है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। आका जा रहा है कि एक और जहां देश 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे मना रहा था, तो दूसरी ओर आतंकवादी पुलवामा में आतंकी हमले की साजिश को अंजाम देने में कामयाब हो रहे थे। देखिए एक रिपोर्ट। 14 फरवरी यानी प्यार और मोहब्बत का दिन, इस दिन आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। देश के सीआरपीएफ जवानों पर आत्मघाती हमला हुआ और देखते ही देखते 42 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। पूरे देश में शोक की लहर छा गई। हर एक व्यक्ति की आंखों में नमी है और हर तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई देने लगे हैं। कई जगह पर पाकिस्तान के मंत्रियों के पुतले भी फूके गए। जयपुर के स्टैचू सर्कल पर अमर जवान ज्योति शहीद स्थल पर लाखों की संख्या में देशभक्त इकट्ठे हुए तथा नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सिद्धू के पाकिस्तान से वार्ता करने के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में एक कर्नल द्वारा सिद्धू को देशद्रोही करार दिया। कर्नल ने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू देशभक्त नहीं या देशद्रोही और गद्दार है। इसे सिख जाति से बाहर करने की बात पर जोर दिया। मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे रखा था पाकिस्तान MFN, उनके साथ ट्रेडर वाला व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। हमें ट्रेड नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो हमारा राजनयिक है वहाँ पे एम्बेसडर, उसे वापस बुला लेना चाहिए। हमें कोई वीजा नहीं चाहिए पाकिस्तान घूमने के लिए। किसी इंडियन को पाकिस्तान नहीं जाना, उन्हें हमारी जरूरत है, हमारे को उनकी जरूरत नहीं है। पंजाबी और सिख कौम में एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं तनखैया। तनखैया का मतलब होता है जात बाहर। सिद्धू को सिख जो है वो जात बाहर कर देंगे, जैसे स्टेटमेंट वो दे रहा है। और उनके कमर बाजवा और उनके चीफ ऑफ आर्मी सर जाके गले मिल रहा है। सिद्धू गद्दार है, सिद्धू देशभक्त नहीं है, सिद्धू गद्दार है। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।